नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं शायान रजा। आज हम बनाना सीखेंगे मेमनी बिरयानी हर्फे आम में मसूर पुलाव। पुलाव को बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है उनमें शामिल हैं आधा किलो चावल, आधा किलो चिकन का कीमा, एक कप ऑयल, एक पाव काली खड़ी मसूर की दाल, धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ एक एक गड्ढी, 10 हरी मिर्चें ब्लेंड हुई हुई, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव टमाटर बारीक कटे हुए, 1 पाव प्याज बारीक कटी हुई, 3 टेबलस्पून इमली का गूदा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 चुटकी हल्दी, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद दारचीनी के टुकड़े, 1 तेजपत्ता, 8 अदद साबुत काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 पाव दही। तरकीब: 1 कप ऑयल में प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, दाल को अलग से बॉईल करके साइड पर रख लें, इसी तरीके से चावलों को भी अलग से बॉईल करके साइड पर रख लें। याद रहे चावलों को उबालने से पहले 2 घंटे तक भिगोना है, अगर सेला चावल है तो 2 घंटे और अगर बासमती है तो आधा घंटा काफी है। चावलों को उबालने के लिए आपने उसमें चावल डालने हैं और चावलों से 1 इंच ऊपर तक पानी रखना है। फिर इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 दारचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता शामिल करके इसको उबाल लेना है। चूंकि मैंने पानी 1 इंच ऊपर रखवाया था तो चावलों को स्टीम में उबलने देना है, इस तरह चावलों के पानी को ड्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ एक पतीले में ऑयल डालें और प्याज को फ्राई कर लें। फिर इसके बाद इसमें मिर्चों का पेस्ट शामिल करें और उसको 1 मिनट के लिए फ्राई करें, साथ ही टमाटर शामिल करके टमाटरों को भून लें। टमाटर को भूनने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और उसे फ्राई कर लें। जब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाए तो उसमें तमाम मसाले और 3 टेबलस्पून इमली का गूदा शामिल करके तमाम मसाला जात को भून लें। फिर इसके बाद इसमें चिकन का कीमा शामिल करें और उसको फ्राई करें। जब चिकन का कीमा फ्राई हो जाए तो उसमें 1 पाव दही शामिल करके उसको अच्छे तरीके से पकाएं। आपका बिरयानी का मसाला तैयार है। उसके बाद उबले हुए चावलों में से आधे चावल निकाल दें, फिर इसमें ये कीमे का मसाला शामिल करें, जो दाल उबाली थी वो शामिल करें और धनिया और पुदीना जो कटा हुआ था वो शामिल करें। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक दम लगा लें। आपकी मेमनी बिरयानी या मसूर पुलाव तैयार है, इंजॉय कीजिए। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब आपसे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।